हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विदान किचन। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेशल राज कचौरी। राज कचौरी आपने कई बार खाई होगी और जगह जगह स्ट्रीट फूड में बहुत ही फेमस और पॉपुलर है ये राज कचौरी। तो राज कचौरी आज हम बनाने जा रहे हैं। तो राज कचौरी को किस तरीके से बनाया जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले राज कचौरी का डो। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा कप रवा, ये बॉम्बे रवा है जिससे उपमा बनाया जाता है। तो इस रवा को मैं इस बोल में डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें एक तिहाई कप मैदा ऐड कर रही हूं। आधा कप रवा और एक तिहाई कप मैदा ऐड कर दिया मैंने और अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब घी ऐड कर रही हूँ। ये शुद्ध देसी घी है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, दो पिंच के करीब नमक ऐड करेंगे इसमें और दो पिंच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो अक्सर यूज करते हैं। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमें सारी चीजों को मिक्स करना है ताकि घी, नमक और बेकिंग सोडा, सूजी, रवा, मैदा सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें घी का यूज मोयन की तरह नहीं करना है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है वरना आपकी राज कचौरी जो है वो करारी करारी और खस्ता नहीं बन पाएगी। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ही हम इसमें घी ऐड करें, मोयन की तरह नहीं ऐड करना है कि बस बाइंडिंग आ जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सब सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो मैं धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए थोड़ा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर डो को मैंने एक मिनट तक नीट कर लिया है और इसे अब हम ढककर रख देंगे। डो हमारा इतना सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जब रवा जो है वो फूलेगा तो डो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं तो हम देखते हैं कि डो हमारा कैसा है। ये देखिए, डो हमारा टाइट हो चुका है और अब हम बस इसे थोड़ा सा नीट करेंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से नीट कर लेते हैं। और ये सूजी जो है, रवा काफी फूल गया है और इसकी वजह से डो हमारा थोड़ा टाइट हो जाता है। तो परफेक्ट डो है राज कचौरी के लिए और इसे हम हल्के हाथों से नीट करके अच्छे तरीके से थोड़ा सा मस लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और इस तरीके से लोई बनाएंगे और इसे मैं रख लेती हूँ। इस लोई को हम मैदे में डस्ट करेंगे थोड़ा सा और एक अच्छी तरीके की चपाती रेडी करेंगे हम, जैसा कि नॉर्मल हम रोटियां तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे। जब आपको लगे कि मैदे का यूज करना है तो आप कर लीजिए बेझिझक। राज कचौरी में कोई इश्यू नहीं है कि आपको मैदा यूज नहीं करना है, ऐसे ही बेलना है। इसे अच्छे तरीके से हम बेलेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी चपाती मैंने रेडी कर ली है और इसकी थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इसका यूज करूंगी कट करने के लिए, अच्छे तरीके से गोलाई शेप आ जाए तो हम इसका यूज करेंगे।
और इसे हम कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हमारी एक चपाती रेडी हो गई है राज कचौरी की। तो हम इसे प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से मैं और भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने चार राज कचौरी रेडी कर ली है, तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए राज कचौरी ऑयल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए। आप देख रहे होंगे अगर दिख रहा है कि धुआं निकल रहा है, तो इसी स्टेज पे हम जो है राज कचौरी को डाल देंगे। एक एक करके हम राज कचौरी को फ्राई करेंगे। इस तरह से हम दबा देंगे हल्के हाथों से। और इसे अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे और इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं एक और फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी दूसरी राज कचौरी भी फ्राई होकर बाहर आ गई है। और तो इसी तरह से मैं बाकी के दो फ्राई कर लेती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी राज कचौरी जो है रेडी है, तो अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। तो यहाँ मैं यहाँ पे एक रख देती हूँ। तो राज कचौरी में हम सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट भरेंगे, थोड़ा सा और मैं तोड़ देती हूँ, उसमें है सबसे पहले जाएगा ये आलू। ये फ्राई किया हुआ आलू है जिसे मैं यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी उबले हुए चने जिसे मैंने थोड़े से नमक के साथ में बॉइल कर लिया है। ये राज कचौरी में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। राज कचौरी को बहुत अच्छे तरीके से भरना होता है। और थोड़े से प्याज, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अनारदाने, थोड़ी सी हरी चटनी, इमली की चटनी, ये गुड़ और इमली से बनी हुई खट्टी मीठी चटनी है, अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमकीन सेब और थोड़े से खस्ता। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा दही। इस दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और ये खट्टा दही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कर्ड है और अपने आप में ही एक अलग टेस्ट देता है फ्रेश कर्ड। फिर से हम थोड़े से आलू ऐड करेंगे
एक बार फिर रिपीट करेंगे वही प्रोसेस, थोड़े से चने, थोड़े से प्याज, नमकीन सेव, और अब यहां पर हम ऐड करेंगे दही, जैसा भी आपको पसंद हो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें, थोड़ा सा इमली की खट्टी मीठी चटनी, और एंड में मैं ऐड करूंगी इसमें हरी वाली चटनी। और एंड में हम थोड़े से अनारदाने ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है जबरदस्त राज कचौरी की रेसिपी, माउथ वाटरिंग रेसिपी है, और आप इस राज कचौरी को जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी ये स्पेशल राज कचौरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल विधान किचन इंदौर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।